Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Python and today is day 2. हम लोग आज first time Python में coding start करेंगे. We'll start with the absolute basics, जैसा आप किसी भी programming language के साथ करते हो. हम लोग सबसे पहले सीखेंगे how can you print anything using Python. ठीक है, so let's start the video. So guys, अगर आपने किसी भी और programming language में काम किया है तो आपको पता होगा कि चीजें print करने के लिए generally आपके पास एक built-in function होता है. अगर आप C की बात करो वहाँ पे printf होता है, अगर आप C++ की बात करो वहाँ पे cout होता है, और अगर आप Java की बात करो तो वहाँ पे system out होता है. ठीक है, similarly Python में भी एक built-in function होता है जिसको हम print बोलते हैं. ठीक है, and you use that print function to print anything on your screen. ठीक है, so Python में you don't have to write, you know, header files, ये सब को आपको import करने का जरूरत नहीं है. There is no nonsense involved. आप simply, अगर आपको hello world print करना है, आप बहुत सीधे सीधे बस print function को call करके यहाँ पर hello world as a string pass कर सकते हो. And यहाँ पर once you run shift enter you will get the output. You can see it's so simple. हमें यहाँ पे C की तरह header files import नहीं करनी पड़ी, कोई main function open नहीं करना पड़ा. हमें hello world print करना था, उसके लिए सिर्फ एक line की जरूरत है Python में, and that is print hello world, और हमारा काम हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी data type print कर सकते हो. It's not like कि आप सिर्फ strings print कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप numbers को भी print कर सकते हो. आपको simply एक valid number को भेजना है print के अंदर. You can also pass decimals, you can also pass booleans. ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगी जैसे आप कोई भी और डेटा टाइप प्रिंट करते. ठीक है, पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है इट्स क्वाइट पावरफुल एक्चुअली. ठीक है, जैसे कि आई कैन गिव यू वन इंपॉर्टेंट फीचर जो आप बहुत यूज करोगे फ्यूचर में, कि आप अगर चाहो तो एक बार में एक से ज्यादा चीजों को साथ में प्रिंट कर सकते हो. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. सो इफ आई वॉन्ट आई कैन एक्चुअली प्रिंट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, एंड यू कैन सी ये सारी चीजें आपने एक साथ प्रिंट कर ली. आपको बस सिंटेक्स क्या फॉलो करना था. आप अलग अलग चीजों को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप उन चीजों के बीच में एक कॉमा लगा दो. पाइथन इज इंटेलिजेंट इनफ, द फंक्शन इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप अलग अलग चीजें प्रिंट करना चाहते हो. ठीक है, सिमिलरली इफ यू वॉन्ट आप अलग अलग डेटा टाइप को भी साथ में प्रिंट कर सकते हो. इंडिया 5 true, एंड यू विल गेट द आउटपुट. एंड देर इज नो लिमिट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 4 वर्ड्स को प्रिंट कर सकते हो या 10 वर्ड्स को प्रिंट कर सकते हो. दिस फंक्शन इज फ्लेक्सिबल, मतलब आप यहाँ पे कितनी भी चीजें भेजोगे कॉमा सेपरेट करके सबका सब प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, अब एक दो और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए प्रिंट फंक्शन के बारे में वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ. So, अगर आप प्रिंट फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन देखो एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक में, अगर आपको किसी भी फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो आपको सिंपली उस फंक्शन को लिख करके उसके ब्रैकेट्स के अंदर जाके शिफ्ट टैब प्रेस करना होता है, और वहां पे आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है. आप चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली रीड भी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो डॉक्यूमेंटेशन में देखो लिखा हुआ है वैल्यू कॉमा डॉट डॉट डॉट, विच मीन्स आप कॉमा सेपरेट करके कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन उन सबको पार्स कर पाएगा. ठीक है, बट यहाँ पे एक और हिडन पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं सेप, एज इन सेपरेशन या सेपरेटर, और इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है. अब क्या होता है ये सेप पैरामीटर और कब काम आता है वो मैं आपको बताता हूं. जैसे यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप मल्टीपल चीजों को भेज रहे थे प्रिंट फंक्शन के अंदर, हमेशा जो चीजें प्रिंट हो रही थी उनके बीच में एक स्पेस लगा हुआ था. सी, एक स्पेस लगा हुआ था. What if मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, एंड what ये स्पेस आ कहां से रहा है? The answer is ये सेप पैरामीटर की वजह से. यहाँ पे सेप पैरामीटर में डिफाइंड है कि जब भी आप एक से ज्यादा चीजों को प्रिंट करने का ट्राई करोगे उनके बीच में ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाएगा. अब लेट्स से मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे एक स्लैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी चीज को कॉपी पेस्ट करूंगा लाइक दिस, और यहाँ पे सेप पैरामीटर जो है उसका वैल्यू मैं स्लैश कर दूंगा. And you can see now we are getting a slash between all the inputs. ठीक है, अगर हम एक और सिनेरियो ले तो what we can do is we can also put hyphen, तो it would look like this. ठीक है, तो again एक और reason जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि Python का print function कितना powerful है.
अब अगर आप फिर से डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, वहां पे आपको एक और यूजफुल पैरामीटर मिलेगा जिसका नाम होता है एंड। एंड का वैल्यू जो है डिफॉल्ट वैल्यू वो स्लैश एन है, स्लैश एन मतलब लाइन चेंज। सो दैट इज वाई आप कभी भी अगर मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो, आई विल शो यू, अगर आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो तो उनका आउटपुट हमेशा नई लाइन में आता है। ये देखो, हेलो के बाद जैसे अगला प्रिंट स्टेटमेंट अपना काम करने लगा, वो नई लाइन से अपना काम कर रहा है। क्यों कर रहा है नई लाइन से अपना काम? क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंड पैरामीटर है उसका वैल्यू इज स्लैश एन। सो हमेशा जब भी आपका पहला प्रिंट स्टेटमेंट अपना काम करेगा उसके लास्ट में एक स्लैश एन लग जाएगा, और उस स्लैश एन की वजह से लाइन चेंज हो जाएगा। तो जब अगला प्रिंट स्टेटमेंट आएगा वो अगले लाइन में चीजों को प्रिंट करेगा। वॉट इफ मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? आई वुड राइट दिस कोड लाइक दिस, हेलो एंड इज इक्वल टू स्पेस, और यहां पे अगर मैं लिखूं वर्ल्ड, नाउ यू कैन सी ये सब कुछ सेम लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझ में आ गए, साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है और कितना फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन आप अनकॉन्शियसली बहुत बार यूज करने, सबकॉन्शियसली आप बहुत बार यूज करोगे, मतलब इतना कि आप ध्यान में नहीं दोगे कि आप प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हो। इट्स सो इंटीग्रल जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, बट यस इसका एक कोर अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें कुछ और हाइपर पैरामीटर्स है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। सो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा प्रिंट करने पे ये फाइल एसटीडी sys डॉट एसटीडी आउट का ऑप्शन आ रहा है और फ्लश इज इक्वल टू फॉल्स का ऑप्शन आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे पाइथन में, वहां पे ये यूजफुल है। ठीक है, इस पॉइंट पे पाइथन में प्रिंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमने पढ़ ली। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस डेटा टाइप्स।